सेवानिवृत्त पूर्व सीएमएचओ डॉक्टर पुष्पेंद्र शर्मा ने 5 डॉक्टरों, लोकायुक्त अधिकारियों सहित 11 लोगों पर 5 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस दिया है। डॉक्टर शर्मा की ओर से अभिभाषक एससी अग्रवाल ने तत्कालीन कलेक्टर, विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त उज्जैन बसंत श्रीवास्तव, निरीक्षक लोकायुक्त उज्जैन डॉक्टर ऋतुपति गगन वर्मा, शासकीय कर्मचारी रुस्तम सिंह नरवरी, ट्रेसर प्राथमिक केंद्र ग्राम बेड़दार डॉक्टर राज दुलानी, शल्य क्रिया विशेषज्ञ डॉक्टर महेश मौर्य, डॉक्टर सुनील गंगराड़े, डॉक्टर दिलीप सोनी, एसएसएस उदावत सेवानिवृत्त उप पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त विष्णु कोले, वैज्ञानिक अधिकारी एवं सहायक रसायन परीक्षक इंदौर को नोटिस दिया गया है। दरअसल डॉक्टर शर्मा 31 अक्टूबर 2015 को सीएमएचओ के बने थे। बेड़दा में कार्यरत ड्रेसर रुस्तम सिंह द्वारा लापरवाही की गई, जिसमें 2 बच्चों की मौत के बाद तत्कालीन कलेक्टर बी चंद्रशेखर द्वारा दूरभाष पर दिए गए निर्देश के तहत जांच दल का गठन किया गया। डॉक्टर शर्मा के निर्देशन में दल दिनांक 13 सितंबर 2015 को बेड़दा पहुंचा, जहां रुस्तम सिंह निजी दवाखाना पर रोगियों का इलाज करते हुए पाया गया। क्लिनिक की जांच में पाया गया कि गरीबों के लिए उपयोग में आने वाली शासकीय दवाई का भंडार था। जांच दल ने पंचनामा बनाया और 14 को FIR दर्ज करवाने के लिए पुलिस थाना सरवन को प्रतिवेदन भेजा गया। 15 को अपराध पंजीबद्ध हो गया। रुस्तम सिंह ने अपनी बेटी व डॉक्टरों के साथ षड्यंत्र रचकर ड्रेसर की पुत्री डॉक्टर ऋतु वर्मा के जरिए उन्हें भ्रष्टाचार के झूठे प्रकरण में फंसाने की रणनीति बनाई। लोकायुक्त के साथ मिलकर ऋतु वर्मा ही नहीं बल्कि शहर के डॉक्टरों ने भी योजनाबद्ध तरीके से उन्हें फंसाया और झूठा प्रकरण दर्ज करवाया। प्रकरण के चलते विभाग द्वारा 23 सितंबर 2015 को निलंबित कर दिया गया, जिससे परिवार को भारी मानसिक आघात पहुंचा, प्रतिष्ठा धूमिल हुई, आर्थिक नुकसान हुआ। घटना के दौरान शहर के 3 डॉक्टर पटाखे लेकर घर पहुंच गए थे, जिससे उन्हें बहुत अधिक मानसिक हानि पहुंची। केस के सिलसिले में 66 बार न्यायालय में उपस्थित होना पड़ा। डॉक्टर शर्मा को न्यायालय ने इस प्रकरण से 29 फरवरी 2020 को बरी कर दिया। इससे फर्जी प्रकरण का पर्दाफाश हुआ है। ऐसे में अब उन्हें मान हानि और नुकसान के बदले उन्होंने 11 पक्षकारों से 2 माह की अवधि के अंदर 5 करोड़ रुपए तथा लिखित में माफी मांगने को कहा है। रतलाम से चैतन्य शर्मा की रिपोर्ट। जब मैं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रतलाम में था, उस वक्त 4-5 चिकित्सकों के विरुद्ध मैंने और कलेक्टर, तत्कालीन कलेक्टर डॉक्टर संजय गोयल साहब ने कार्यवाही की थी। उन कार्यवाही से बहुत ज़्यादा क्षुब्ध हो गए थे और इन्होंने असत्य कई शिकायतें भी की, फिर भी इनको कहीं से कुछ भी रास्ता नहीं मिला, तो इन्होंने मेरे खिलाफ़ एक साजिश करके लोकायुक्त का प्रकरण बनाया। उस लोकायुक्त के प्रकरण में इन्होंने फरियादी से मिलके, डॉक्टरों ने, चिकित्सकों ने, लोकायुक्त के अधिकारियों से मिलके और जो पंच साक्षी आया था उससे भी मिलके इन्होंने साजिशपूर्वक षड्यंत्र कर मेरे विरुद्ध झूठा प्रकरण बनाया, जिससे मैं 4.5 साल तक बहुत परेशान रहा। सामाजिक रूप से भी परेशान रहा, आर्थिक रूप से भी परेशान रहा, पारिवारिक रूप से भी परेशान रहा और मुझे इतनी आत्मग्लानी हुई कि मेरे जैसे आदमी के खिलाफ इन्होंने असत्य प्रकरण बनाया और उसको सत्य साबित करने की कोशिश की इन्होंने, परंतु माननीय न्यायालय ने उस प्रकरण को में मुझे बरी किया और इसमें पूरी साजिश इनकी सिद्ध हुई उसमें, उस प्रकरण में, डिसीजन में। तो इसलिए मैंने इन चिकित्सकों के विरुद्ध जो FSL जांच जिसने की थी, जिस साइंटिस्ट ने, उसके विरुद्ध और लोकायुक्त के विरुद्ध मैंने मानहानि के दावा के लिए सूचना पत्र जारी किया।